एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। मैं फिर से लाया हूँ नेवी SSR-AA-MR AA का साइंस का मॉडल सेट का क्वेश्चन। 25 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाता है तब क्या होता है? तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होता है? तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा होती है। किसी उपकरण को 220 वोल्ट पर 30 दिन तक चलाने पर वैद्युत बिल 3 रुपया प्रति किलो वाट की दर से 110 रुपये है। यदि यह प्रतिदिन 4 घंटे चले तो उपकरण द्वारा ली गई धारा कितना होगा? तो राइट आंसर इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हम पहले बता चुके हैं कि एयरफोर्स हो चाहे फिर नेवी ही हो, जिसकी प्रैक्टिस शॉट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, साइंस में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 1.4 एम्पियर है, इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का द्रव्यमान 50 kg है, किसी प्रतिरोधी बल द्वारा 5 सेकंड में इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड होता है, तो प्रतिरोधी बल कितना है? तो राइट आंसर इसका बनेगा 150 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई है, तो लटकी हुई सुई किसकी ओर रहेगी? तो ऊर्ध्वाधर की ओर रहती है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होती है। किसी संगीत किस स्तर की विशेषता किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर इसका होगा, इसका हार्मोनिकता पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन ऑप्शन नंबर अपसादी, 4 ऑप्शन गलत है। अपसादी लेंस द्वारा दूरदृष्टि तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, जो कि क्वेश्चन गलत है। एक स्वस्थ मानव नेत्र में फोक्शन किस प्रकार किया जाता है? तो सिलियरी पेशियों के जरिए लेंस को उतलता को बढ़ाकर, सिलियरी पेशियों द्वारा यह किया जाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर 150 ग्राम बर्फ 50 डिग्री सेल्सियस के 300 ग्राम पानी में डाली जाती है तो मिश्रण का ताप कितना होगा? तो 6.6 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार गर्म धातु की वस्तु जिनके रंग नीले काले और सफ़ेद है तथा जो समान ताप पर है, किसके ठंडे होने की अवधि सर्वाधिक होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा काली की ठंडे होने की सर्वाधिक होगी, काली सबसे जल्दी ठंडी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग लंबाई लैम्डा को एक ध्वनि तरंग किसी पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात अस्थावर तरंग की रचना करती है, दो निकटवर्ती निष्पंदों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दोनों के बीच की दूरी होगी λ/2। बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है? द्रवों का प्रवाह किससे संबंधित है? बर्नौली समीकरण द्रवों का प्रवाह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांचे के जरिए 10 ओम के वाट की लंबाई को उससे दोगुना किया जाता है, इसका प्रतिरोध बदलकर हो जाएगा, तो 40 ओम इसका बदलकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड प्रतिरोध रहित वायुमंडल में क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है, इसकी गति के दौरान निम्न से कौन सी राशि नहीं बदलेगी? तो वेग और इसका कंपोनेंट यानी कि क्षैतिज घटक नहीं बदलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4th नंबर। एक स्थैतिक बिंदु आवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यदि यह आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी? तो राइट आंसर होगा समानांतर होगी, पैरेलल लाइंस होगी। एक मशीन 600 केजी के भार को 1 मिनट में 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, मशीन की पावर आउटपुट क्या है? तो पावर निकालना है, पी का वैल्यू, तो 1.96 किलोवाट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, 5 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक 5 ओम का है समानांतर क्रम में जोड़ी गया है, यदि परिपथ में 10 वोल्ट के विभव से जोड़ा गया है तो उनकी प्रभावी धारा कितनी होगी? तो 10 एम्पियर इसकी करंट होगी। दो पिंडों ए और बी के वेग 2:1 के अनुपात में है, ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान का आधा है, तो ए तथा बी की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2:1। 100 kg पास्कल और 300 किलो पर 4 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन क्या होगा? सर्वाधिक गैस नियतांक का वैल्यू होता है 8.31 किलो पास्कल/सेमी3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.1 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बोला है कि C1 और C2 धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता कितना होगा? तो जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल धारिता C=C1+C2 को जोड़ दिया जाता है। दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो राइट आंसर इसका मानिएगा लैक्टिक एसिड के कारण। DNA में क्या पाया जाता है? तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। व्हेल मछली किस वर्ग में आता है? तो स्तनधारी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेप्स की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है।
डायस्टोल के समय क्या होता है? तो रुधिर हृदय में आता है। डायस्टोस या फिर डायस्टोल के समय क्या होता है? तो रुधिर जो है हृदय में आता है। इस तरह से इस वीडियो का 25 वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।